आज की क्लास में हम एक टॉपिक करेंगे जो प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड है और उस टॉपिक का नाम है प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। एक प्रोजेक्टाइल को इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्ट करते हैं, तो ये टॉपिक जो है वो ज़्यादातर जेई वाले बच्चों के लिए है, जेई और जेई एडवांस वाले बच्चों के लिए है। नीट में इससे क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप, बहुत कम चांस है कि नीट में इससे कोई क्वेश्चन आएगा। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो हम शुरू करते हैं, देखिए टॉपिक का नाम है प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन। अब इसके लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि नॉर्मल प्रोजेक्टाइल तो हम लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन जो है उसको सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सिचुएशन है क्या। तो देखिए हमारे सामने एक इंक्लाइन प्लेन है, और इस इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो है अल्फ़ा, ठीक है। और इस इंक्लाइन प्लेन के लोवेस्ट पॉइंट से हम लोग एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं, हम इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं वेलोसिटी यू से, ऐसे, ठीक है, वेलोसिटी यू से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वेलोसिटी यू का जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ वो एंगल है थीटा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल बनाता है थीटा, याद रखिए हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाता है थीटा। तो हमें ये डिस्कस करना है कि अपनी ट्रेजेक्ट्री में ये पार्टिकल यहाँ से यह उड़ के जहाँ इस इंक्लाइन प्लेन पे गिरेगा तो कितने समय के बाद गिरेगा, कितने समय के बाद गिरेगा, और उस पोजीशन पे उसकी नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट होगी यहाँ से यहाँ तक, इसकी वैल्यू क्या होगी। और अगर हम ये मान लें, इसको हम L मान लेते हैं, तो हमसे L पूछा जा रहा है। और अगर हम ये मान लें कि पार्टिकल का प्रोजेक्शन t इक्वल टू ज़ीरो पे हुआ है, तो कितने टाइम के बाद पार्टिकल यहाँ गिरेगा, इसको कैपिटल T मान लेते हैं, ये हमें निकालना है। पहले तो ये निकालना, उसके बाद और देखते हैं हम इसमें क्या कर सकते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो फिलहाल ये सिचुएशन है, देखिए। अब इसके लिए हम अपना जो एक्सिस है जिसके अलोंग हम अक्सर मोशन को सॉल्व करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन को, वो हमारा होता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। लेकिन यहाँ हम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सिस नहीं लेंगे, जो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस लेंगे जिसके रेस्पेक्ट में हम इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे वो है अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, यानी ये डायरेक्शन, एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, यानी कि ये डायरेक्शन। तो इन दोनों डायरेक्शंस को फिलहाल हम अपना वाई और एक्स एक्सिस मान लेंगे। तो ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस। ध्यान रहे कि हमारा जो रिजोल्यूशन है वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के अलोंग नहीं हो रहा। अब आइए सबसे पहले तो हम इनिशियल वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स निकालते हैं, ठीक है। तो बताइए, सबसे पहले तो ये बताइए कि इनिशियल वेलोसिटी का जो एंगल बनेगा एक्स एक्सिस के साथ, क्या उस एंगल को हम लिख सकते हैं थीटा माइनस अल्फा, बेशक लिख सकते हैं। अब हम इसके दो कंपोनेंट्स लेंगे यू के अलोंग एक्स, और दूसरा कंपोनेंट लेंगे हम अलोंग वाई एक्सिस। अब बताइए एक्स एक्सिस के अलोंग हमारा कंपोनेंट कितना होगा, हमारा कंपोनेंट होगा यू कॉस थीटा माइनस अल्फा, जबकि वाई एक्सिस के अलोंग हमारा कंपोनेंट होगा u साइन थीटा माइनस अल्फा। इसको हम यू एक्स कह सकते हैं और इसको हम यू वाई कह सकते हैं, करेक्ट। ये देखिए हमने वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी का यानी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन का x और y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट निकाल लिया। अब हम आते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर।
अब देखिए mg वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, तो जो एक्सेलरेशन इस पार्टिकल के पास है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डायरेक्ट अलोंग द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। नाउ वी हैव टू स्प्लिट दिस इनटू टू कंपोनेंट्स, नेमली अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो हम इसका भी रिजोल्यूशन लेने वाले हैं। तो एक कंपोनेंट हम इसका इधर लेने चाहेंगे, यानी एक्स की तरफ आएगा, और दूसरा कंपोनेंट रादर नेगेटिव एक्स की तरफ आएगा और दूसरा नेगेटिव वाई की तरफ आएगा। लेकिन इसके कंपोनेंट निकालने के लिए सबसे पहले जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है वो ये है कि भाई इसका कोई तो एंगल पता होना चाहिए। तो गौर से देखिए, ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा। देखिए ये पूरा का पूरा जो एंगल है, ये एंगल है 90 डिग्री, और ये एंगल आपको दिख रहा है अल्फ़ा, ठीक है। तो अब आप बताएं कि अगर ये एंगल अल्फ़ा है जिसको अभी मैंने मार्क किया और ये 90 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा, ये वाला एंगल, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बताइए, इज इट 90 माइनस अल्फ़ा? देन व्हाट अबाउट दिस एंगल? ये जो एंगल यहाँ बना हुआ है, इस एंगल को हम अल्फ़ा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ठीक है, तो इस एंगल को हम लिखते हैं अल्फ़ा। तो अब आप बताएं कि अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो जी का जो कॉम्पोनेंट वाई डायरेक्शन में आएगा, यानी एक्सेलरेशन लॉन्ग वाई एक्सिस, क्या हम उसको माइनस जी को अल्फ़ा नहीं लिख सकते? और इसी तरह एक्सेलरेशन लॉन्ग एक्स एक्सिस जो आएगा उसको हम लिख सकते हैं माइनस जी साइन अल्फ़ा। तो देखिए इस तरह से हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशंस और वेलोसिटी की कॉम्पोनेंट ले ली है। आइए उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यू एक्स हो गया हमारा कितना बताइए, यू एक्स हो गया हमारा यू कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा, यू वाई हो गया हमारा यू साइन थीटा माइनस अल्फ़ा, ए एक्स हो गया हमारा कितना हो गया एक्स माइनस जी साइन अल्फ़ा, और ए वाई कितना हो गया हमारा, ए वाई हो गया माइनस जी कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब हम सबसे पहले ये निकालेंगे कि भाई अगर ये पार्टिकल ओ से चला है और पी पॉइंट पे इसने लैंड किया है तो वहाँ पहुँचने में समय कितना लगेगा। सो सबसे पहले हम लिखेंगे कि व्हेन इट लैंड्स एट पी, जब ये पी पे लैंड करेगा तो बताइए क्या होगा, क्या हम ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट लॉन्ग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो, बिकॉज ये लैंड कर रहा है एक्स एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट अगर ज़ीरो होगा तो हम लिख सकते हैं भाई यू वाई इंटू टाइम प्लस हाफ इंटू ए वाई इंटू टाइम स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। वाई सो बिकॉज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अलॉन्ग एक्सेलरेशन हैं और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हैं, तो इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब आप देखिए हम इसमें वैल्यू डालेंगे, तो यू वाई की जगह हम डालेंगे यू साइन थीटा माइनस अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई टी, और ए वाई की वैल्यू हम डालेंगे माइनस जी कॉस अल्फ़ा इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो, और इक्वेशन को सॉल्व करके आपको अल्टीमेटली टाइम की वैल्यू मिलेगी। याद रखिए ये जो टाइम आप स्मॉल टी निकाल रहे हैं दैट इज़ इनफैक्ट द कैपिटल टी, ठीक है। सो आपको जो वैल्यू मिल रहा है कैपिटल टी का मिल रहा है, लेट मी रिप्लेस इट बाई कैपिटल टी बिकॉज यू हैव कॉल्ड इट कैपिटल टी। कैपिटल टी इज़ द टाइम एट विच इट लैंड्स ऑन द इंक्लाइन प्लेन। सो वट इज़ द वैल्यू ऑफ टी वी आर ऑब्टेनिंग? आप इसको सॉल्व करें, आप देखिए एक टी कैंसिल हो जाएगा और यू विल गेट टू यू साइन थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा, ठीक है। बेसिकली वॉट यू आर गेटिंग इज टू यू वाई डिवाइडेड बाई ए वाई, मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये देखिए ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन आ चुका है, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं कहेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट तो सेम लेवल तक होने में होता है, जिस टाइम पे वो लैंड करेगा वो टाइम का एक्सप्रेशन आपने निकाला है। ओके, नाउ टी इज़ डन, लेट्स फाइंड आउट एल, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो अब क्या है बताइए, एट दैट पॉइंट डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय एक्स विच कैन बी रिटन एज एल ऑल्सो, इट इज यू एक्स इंटू कैपिटल टी प्लस हाफ इंटू ए एक्स इंटू कैपिटल टी स्क्वायर, इज़न्ट इट? नाउ लेट्स पुट द वैल्यू
सो यू एक्स इंटू कैपिटल टी प्लस हाफ इंटू लेट्स पुट द वैल्यू, यू एक्स की वैल्यू कितनी है, यू एक्स की वैल्यू है यू कॉस थीटा माइनस अल्फा, टी विल टेक कॉमन, टी को कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन से बचेंगे, और ए एक्स की जगह हम लिखेंगे माइनस जी साइन ऑफ अल्फा, एक टी यहाँ बच जाएगा। तो देखिए ये हमारा एक्सप्रेशन आ रहा है, ठीक है। अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इट विल टेक सम टाइम, तो टी को भी यहीं छोड़ते हैं, यू कॉस थीटा माइनस अल्फा प्लस नो माइनस हाफ जी साइन ऑफ अल्फा, एंड इन प्लेस ऑफ टी वी कैन राइट यू टू यू साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा। सो दिस इज वॉट वी आर गेटिंग इन दिस। यू कैन सी के ये हमारा जी कैंसिल हो जा रहा है, टू भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अगला स्टेप लिख रहे हैं, टी की वैल्यू डालते हैं, टू यू साइन थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा, एंड इनसाइड द ब्रैकेट इफ यू टेक एलसीएम विल गेट यू कॉस अल्फा कॉस थीटा माइनस अल्फा माइनस, लेट्स टेक दिस यू ऑल्सो कॉमन, वी हैव अ यू हियर, यू हैव अ यू हियर, राइट, सो वी आर टेकिंग दिस कॉमन, करेक्ट। सो वॉट वी आर डूइंग इज विल टेक दिस यू कॉमन, पुट यू स्क्वायर हियर, सो नाउ वी आर हैविंग कॉस अल्फा कॉस थीटा माइनस अल्फा माइनस साइन ऑफ अल्फा साइन थीटा माइनस अल्फा, दिस इज वॉट वी आर गेटिंग। अब आप देखिए दिस इज टू यू स्क्वायर साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी कॉस अल्फा, नाउ दिस कैन बी सेट ऑन द फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। सो वट इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, टेल मी, क्या आपको ट्रिगोनोमेट्री याद है, ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर डाला है मैंने, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी को ट्रिगोनोमेट्री में हम लिखते हैं कॉस ए प्लस बी, ठीक है। तो इसका हम उपयोग करेंगे और हम उपयोग करके इसको क्या लिख देंगे बताइए, हम इसको लिख देंगे कॉस थीटा माइनस अल्फा प्लस अल्फा, जिसमें अल्फा हमारा कट जाएगा। तो फाइनली जो हमारा एल है उसका एक्सप्रेशन क्या आता है बताइए, टू यू स्क्वायर साइन थीटा माइनस अल्फा, यहाँ तो अल्फा कट गया, कॉस थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय जी कॉस अल्फा। सो दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अलोंग द इंक्लाइन प्लेन बिफोर इट फॉल्स टू द इंक्लाइन प्लेन। अब इसमें थोड़ा सा कुछ मैथमेटिकल और हम चीज़ें डिराइव करेंगे, उसको जरा आप ध्यान से देखिएगा। तो एक ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला हम इसमें और यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और वो ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है कि टू साइन ए कॉस बी को हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, क्या हम लिख सकते हैं टू साइन ए कॉस बी को इतना लिख सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे टू है ये साइन और कॉस का टर्म है, इसको हम इस फॉर्मूले पे सेट करेंगे टू साइन ए कॉस बी। तो बताइए हमारा जो टर्म आएगा वो क्या आ जाएगा, क्या हम कह सकते हैं कि ऐसा लिखने के बाद हमारा एल हो जाएगा यू स्क्वायर बचेगा टू साइन ए कॉस बी को सेट कीजिए, तो साइन इन दोनों एंगल्स को जोड़ दीजिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल थीटा को जोड़िए, तो क्या मिल जाएगा आपको, विल यू गेट टू थीटा माइनस अल्फा प्लस साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बताइए, आपको मिलेगा माइनस अल्फा,
आपको मिलेगा माइनस अल्फा, ठीक है, ये आपको मिल रहा है, एंड इंटायर दिस थिंग डिवाइडेड बाय ऑब्वियसली जी कॉस अल्फा। अब आप देखिए, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फ़ा, और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है साइन 2 थीटा माइनस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। अच्छा, डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर अल्फ़ा होगा। देखिए, यहाँ पे हमने टाइम ऑफ फ्लाइट पुट किया था तो जी कॉस अल्फ़ा आया था, और यहाँ जो हमने एलसीएम लिया था जी कॉस अल्फ़ा उसको हमने छोड़ दिया, तो वो भी हम यहाँ इंक्लूड कर रहे हैं। तो लेट्स डिवाइड इट एंड राइट हियर कॉस अल्फ़ा। तो आगे जो एलसीएम लिया था हमने, ठीक है, ये तो कॉस अल्फ़ा जो पहला वाला है ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट के एक्सप्रेशन में ही था ना, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा बताइए, यहाँ पे आपको कॉस स्क्वायर अल्फ़ा मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा मिल जाएगा। तो ये कहानी बन रही है, तो यहाँ कॉस स्क्वायर अल्फ़ा मिल रहा है। तो अब ये इस फॉर्मूले पर सेट हो चुका है। सो बेसिकली एल को आप इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो ज़रा सा मैं इसको अरेंज कर दूँ, ठीक है। तो ये जो एडिशनल हमने एक्स्ट्रा टर्म्स लिखे थे, या एक फॉर्मूला एल का यहाँ था और दूसरा हमने रिजल्ट जो है यहाँ निकाला है, ठीक है। अब इस रिजल्ट को हमने क्यों डिराइव किया, आप समझिए। देखिए, आपको इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है, आप इंक्लाइन प्लेन में कोई चेंज नहीं कर सकते, यू कैन चेंज अल्फा, लेकिन आप अपना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को एडजस्ट कर सकते हैं। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को एडजस्ट करके अगर हम चाहें कि हमें एल का मैक्सिमम वैल्यू मिले, ठीक है। सो माइंड इट, फॉर मैक्स वैल्यू ऑफ एल, अगर आप एल की मैक्सिमम वैल्यू चाहते हैं तो बताइए आपको क्या मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। कैन यू से दैट साइन 2 थीटा माइनस अल्फा वाला ये जो टर्म आएगा दैट शुड बी मैक्सिमम, एंड फॉर दिस टू हैपन 2 थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री आएगी, ठीक है, ये मैक्सिमम 1 के बराबर आएगा। यानी कि एल की वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए, सिंस इट इज़ डिपेंडिंग ओनली ऑन वन वेरिएबल टर्म, दैट इज टू साइन ऑफ 2 थीटा माइनस अल्फा, एकमात्र इसी में वेरिएबल थीटा, बाकी सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट हैं। तो यहाँ से जो थीटा रिक्वायर्ड है वो कितना आ रहा है, अभी देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आएगा, इसकी वैल्यू आएगी अल्फ़ा बाई 2 प्लस पाई बाई 4। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एल मैक्सिमम चाहिए तो आपका थीटा इतना होना चाहिए जी, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग पुट कर दें तो हमारा एल का मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, ये देखते हैं। तो एल की मैक्सिमम वैल्यू हमारा आएगी यू स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे जो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है नोइंगली उसको मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा लिख रहा हूँ, कुछ रीज़न है अभी पता चल जाएगा। ऊपर में इसके जगह मैं 1 लिख सकता हूँ, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो अगर इसके जगह मैं 1 लिख दे रहा हूँ, चूँकि मुझे एल मैक्सिमम चाहिए, तो मुझे यहाँ क्या मिल रहा है बताइए, मुझे यहाँ मिल रहा है 1 माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा, और जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे एल मैक्स की वैल्यू मिलती है यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इंटू 1 प्लस साइन अल्फ़ा, ये मिल रहा है मुझे एल मैक्स की जगह, ठीक है। और किस एंगल पे ये मिल रहा है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपको इस एंगल पे मिलेगा, थीटा की वैल्यू अल्फा बाई 2 प्लस पाई बाई 4। तो देखिए, ये हमने एक कंडीशन डिराइव किया, ठीक है। उसके बाद एक और कंडीशन डिराइव करते हैं। देखिए, मुझे अचानक याद आ गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। कंडीशन ये है कि कंडीशन फॉर प्रोजेक्टाइल हिटिंग इंक्लाइन प्लेन परपेंडिकुलरली, ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल अगर इंक्लाइन प्लेन को परपेंडिकुलरली हिट करता है तो इसके लिए क्या कंडीशंस होंगी, यानी अल्फ़ा थीटा में क्या रिलेशन बनेगा।
आप समझिए मेरी बात को कि मैं किस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। लेट मी ड्रॉ द इंक्लाइन प्लेन और दिस इज द इंक्लाइन प्लेन एंड व्हाट आई एम सेइंग इज दैट योर प्रोजेक्टाइल इज गोइंग लाइक दिस एंड इट इज हिटिंग द प्लेन व्हाइल लैंडिंग इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। या लाइक दिस ओके। So it is hitting the plane in the perpendicular direction. So you can see here that the velocity vector in that case will be perpendicular to the inclined plane. इसके लिए condition derive करना है हमें। और किसके बीच में condition derive करना है भाई? तो हमें condition derive करना है कि भाई अगर हमने इसको फेंका है initial velocity u से कुछ यूं, और हमें इसको फेंका है एंगल अल्फा पे, एंगल थीटा पे हॉरिजॉन्टल के साथ और इंक्लाइन प्लेन का एंगल, तो हमें अल्फा और थीटा का रिलेशन निकालना है सच दैट दिस वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर। नाउ टेल मी इफ दिस वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकलता है? इसका मतलब ये कंक्लूजन निकलता है कि एट टी इक्वल टू कैपिटल टी, जो कि आप यहाँ पे टाइम लिख रहे थे, टी इक्वल टू कैपिटल टी पे आपका x component of velocity zero हो जाएगा because the velocity is only along negative y direction। याद रखिए आपके x और y direction किधर थे जब आपने discussion शुरू किया था, तो आपको मैंने बताया था कि देखो यार मैं x axis इधर लेके चल रहा हूँ, ठीक है, x axis along the inclined plane and y axis perpendicular to the inclined plane हम लेके चल रहे हैं। तो अगर आपकी वेलोसिटी हिट करते समय पूरी तरह से इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो हो गई, सारी वेलोसिटी तो वाई की तरफ है, नेगेटिव वाई की तरफ। ओके, तो इससे क्या कंक्लूजन मिलता है भाई? इससे कंक्लूजन ये मिलता है कि हम यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू कैपिटल टी को जीरो लिख सकते हैं कि नहीं। अब बताइए यू एक्स की वैल्यू कितनी है? यू एक्स की वैल्यू है यू कॉस थीटा माइनस अल्फा, और भाई ए एक्स की वैल्यू है जी साइन अल्फा, और टाइम की वैल्यू है टू यू साइन थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा एंड दैट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो देखिए जी तो पहले कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यू कॉमन हो जाएगा, तो हमारे पास बचता क्या? अगर हम दूसरी साइड ले जाते हैं तो हमारे पास बचता है यू कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे बचता है यू कॉस थीटा माइनस अल्फा equals to साइन alpha, है ना, into टू into साइन theta minus alpha divided by cos alpha, ये बचता है। और इससे हमारा final conclusion क्या मिलता है? Condition ये मिलती है, आप ध्यान से देखिए, cos theta minus alpha भी दूसरी तरफ नीचे आ जाएगा। So what we are getting टू tan theta minus alpha into tan alpha, the product of these two is equal to 1, ठीक है। ये condition अगर fulfill होता है theta और alpha के बीच में, तो आपका inclined plane बिल्कुल perpendicularly आकर hit करेगा, ठीक है। अब देखिए ये आपको कुछ derivations projectile on inclined plane से कर दिए गए। अब आइए स्पेशल सिचुएशन में आप सेम टू सेम derivation यूज़ करके कैसे इसका बेनिफिट ले सकते हैं, ये जो derivations हमने किए हैं इनका, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार जो रिज़ल्ट है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो हमने क्या क्या रिज़ल्ट डिराइव किया बताइए। हमने सबसे पहला रिज़ल्ट डिराइव किया है टाइम ऑफ फ्लाइट का, जो है 2u साइन थीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय g कॉस अल्फ़ा। दूसरा रिज़ल्ट हमने डिराइव किया है l का, जो कि फॉर्मूला कहता है 2u स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। देखिए जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है ना यू साइन थीटा माइनस अल्फ़ा, कहाँ गया, हाँ, इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस अल्फ़ा इंटू कॉस थीटा, इसी को हमने स्प्लिट करा और हमने क्या लिखा बताइए,
हमने लिखा 2u स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये 2 को तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिकली एडजस्ट कर दिया, सो फाइनली हमारे ब्रैकेट के अंदर मिला था, क्या मिला था, साइन 2 थीटा माइनस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ठीक है, साइन 2 थीटा माइनस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हो गए। फिर हमने डराइव किया कि भाई एल मैक्स कब होगा, एल इज मैक्सिमम एट थीटा इक्वल टू पाई बाई फोर प्लस थीटा बाई अल्फा बाई टू, आई थिंक एक बार चेक कर लेते हैं, ये देखिए अल्फा बाई टू प्लस पाई बाई फोर, करेक्ट, एंड what is the formula of L max? That was u square divided by g into 1 plus sin alpha. So basically, बेटा ये सारे results आपने अभी भी derive किए, तो मैंने इसको दोबारा क्यों लिखा, सवाल ये उठता है, अभी पता चल जाएगा आपको कि एक जगह सबको संकलित करने का क्या तात्पर्य है। ठीक है, याद रखिए थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है और अल्फा एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन है, उल्टा मत कर दीजिएगा नहीं तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आपको मैं स्पेशल केसेस दिखाता हूँ, थोड़ा धैर्य रखेंगे, जैसे कि मान लीजिए ये है कि इंक्लाइन प्लेन और मैं क्या बताने वाला था, हाँ आप जैसे ये देखिए, ये देखिए इस इंक्लाइन प्लेन पे ये एंगल दे रहा है अल्फ़ा ऑब्वियसली, और आप अपने प्रोजेक्टाइल को भाई साहब फेंक रहे हैं, ये रहा आपका प्रोजेक्टाइल, ये रहा इसका वेलोसिटी, देखिएगा ज़रा ध्यान दीजिएगा ये u है, ठीक है, अब देखिए ये हमारा होराइज़न है या हॉरिजॉन्टल है, ठीक, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दे दिया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा दे दिया, लेकिन जो इसको सतह मिल रहा है, पहली बार जो सतह मिल रहा था वो ऊपर की तरफ अल्फा बना रहा था, ये जिस सतह पे जा रहा है वो नीचे की तरफ अल्फा बना रहा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो अभी भी ऊपर की तरफ है हॉरिजॉन्टल से, लेकिन अभी इसका सतह जो है हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ है अल्फा, तो आप इसको अल्फा ना लिख के माइनस अल्फा से रिप्लेस कर दीजिए, आपको सारे डेरिवेशंस में आपका आंसर मिल जाएगा। यानी अगर आप टाइम का आंसर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर बताइए, जैसे आप टाइम ऑफ फ्लाइट ही लिखना चाहते हैं तो बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट का आंसर क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का आंसर होगा 2u, जी भी सेम रहेगा। अब देखो भाई अल्फा कॉस में डालोगे नेगेटिव अल्फा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो वो तो ऐसे ही रह जाएगा, साइन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जहाँ साइन थीटा माइनस अल्फा आप लिख रहे थे वहाँ पर आप लिखेंगे साइन थीटा प्लस अल्फा। फिर आपको L की वैल्यू कितनी मिलेगी बताइए, आपको L की वैल्यू आप पुट कर दो किसी एक में, अल्फा को नेगेटिव पुट कर दो, सो L यू विल गेट 2u स्क्वायर साइन थीटा प्लस अल्फा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कॉस थीटा विल रिमेन सेम एंड दैट डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा, अल्फा पे कोई कॉस अल्फा पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। यही नहीं, आप एल मैक्स के एक्सप्रेशन को भी आप ड्राइव कर सकते हो, ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन को आप ड्राइव कर सकते हो, ठीक है, एल मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, तो अल्फा की जगह नेगेटिव अल्फा डाल दी, इस फिर यू स्क्वायर वन माइनस साइन अल्फा आ जाएगा, है उसके लिए थीटा की वैल्यू कितनी चाहिए, पाई बाई फोर माइनस अल्फा बाई टू चाहिए, है इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो जस्ट आपको रिप्लेस किसको करना है, तो यहाँ पर हमारा कंक्लूजन क्या था, कंक्लूजन लाल रंग से लिखते हैं भाई,
अगर इसमें करना है सो रिप्लेस अल्फा बाय माइनस अल्फा इन इक्वेशंस और एक्सप्रेशंस, ठीक है। अब जैसे देखिए एक और मैं आपको केस दिखाता हूँ, आपने हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो प्रोजेक्टाइल फेंके जाते हैं वो भी देखे होंगे, उसका सारा फॉर्मूला यहाँ से ड्राइव हो जाएगा। अब देखिए जैसे ये है, ठीक है, अभी हॉरिजॉन्टल प्लेन है, पेशेंस रखिए भाई, समझिए। ये देखिए ये प्रोजेक्टाइल है, इसको आपने फेंक दिया यहाँ से, ये देखिए आपने फेंक दिया इसको, ठीक। अब भाई साहब ये वेलोसिटी यू है, एंगल इसका थीटा है जैसे कि था हॉरिजॉन्टल के साथ, लेकिन इस बार जो इसको सतह मिल रही है वो बिल्कुल अलोंग हॉरिजॉन्टल मिल रही है, ना हॉरिजॉन्टल से अल्फा ऊपर ना हॉरिजॉन्टल से अल्फा नीचे। तो क्या करना होगा आपको, आपको करना होगा लाल रंग से लिखते हैं, ठीक है, करना ये होगा कि आपको रिप्लेस करना होगा, रिप्लेस अल्फा बाय ज़ीरो, सिंपल। तो आपके एक्सप्रेशंस आ जाएंगे। अब आप खुद देखिए कि आपको प्रोजेक्टाइल के एक्सप्रेशंस मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, तो बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या एक्सप्रेशन आएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन आएगा 2u, अल्फा को ज़ीरो कर दो, इट विल बी 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई अल्फा को ज़ीरो कर दो, कॉस अल्फा वन हो जाएगा। यही होता है टाइम ऑफ फ्लाइट प्रोजेक्टाइल के अंदर। और एल के जगह आप रेंज कह सकते हैं उसको, रेंज का फॉर्मूला आएगा 2u स्क्वायर, अल्फा ज़ीरो कर दो तो साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। हम जानते हैं ये एक्सप्रेशन आते हैं हमारे प्रोजेक्टाइल में, जो प्रोजेक्टाइल हमारा ज़मीन पर फेंका जाता है, हमने पढ़ा हुआ इन एक्सप्रेशंस को, ठीक है। रेखाबद्ध किया जाए इनको, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक और, जब तक स्पेस पेज में है तो हम लोग एक और कर लेते हैं, चलिए एक स्पेशल केस सी का और देख लीजिए। तो इसमें फिर से मैं बनाऊंगा, क्या बनाऊं, इस पर मैं हॉरिजॉन्टली थ्रोन प्रोजेक्टाइल का ले लेते हैं इससे, ठीक है। ये देखिए ये रहा आपका इंक्लाइन प्लेन भाई साहब, अच्छा हाँ पिछले वाले में देखिए मैं बोलना भूल गया, अल्फा ज़ीरो कर दिया आपने। अब बताइए आपका एल मैक्स कितना होगा, तो एल मैक्स के फॉर्मूले में अल्फ़ा ज़ीरो डाल दो तो ये होगा यू स्क्वायर बाई जी। किस एंगल पे होगा, तो थीटा की वैल्यू पाई बाई फोर प्लस अल्फ़ा बाई टू थी, लेकिन अल्फ़ा ज़ीरो हो गया तो एट पाई बाई फोर। ये देखिए ये जिसने भी प्रोजेक्टाइल पढ़ा होगा उसको ये सारे रिजल्ट पता होंगे कि हाँ ये रिजल्ट हमारा प्रोजेक्टाइल में आता है जब हम प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल प्लेन पे प्रोजेक्ट करते हैं। अब आप यहाँ देखिए इस केस में हम अपने प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सो वी आर प्रोजेक्टिंग इट हॉरिजॉन्टली। नाउ सिंस वी आर प्रोजेक्टिंग इट हॉरिजॉन्टली, ठीक है, सो अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट करने का मतलब आपको किससे रिप्लेस करना है, किसको बताइए। तो सबसे पहली चीज, और एंगल आपका अल्फा तो है ही इंक्लाइन प्लेन का, ठीक है, तो जो सतह आपको मिल रही है वो हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ मिल रही है, तो एक तो आप अल्फा को माइनस अल्फा से रिप्लेस करेंगे, दूसरा रिप्लेसमेंट क्या होगा बताइए, आपका थीटा जीरो है क्योंकि आप हॉरिजॉन्टल से कोई भी एंगल बना के नहीं फेंक रहे हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिप्लेस अल्फा बाय माइनस अल्फा एंड थीटा बाय ज़ीरो एंड यू विल गेट द एक्सप्रेशन। व्हाट इज़ द टाइम, लेट्स गो फॉर टाइम। इस तरह से आप रिप्लेस करते जाइए। टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, टाइम की वैल्यू हो जाएगी, क्या करना है, थीटा को ज़ीरो करना है, अल्फा को माइनस अल्फा करना है। सो व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, कम ऑन टेल मी, टाइम का ओरिजिनल एक्सप्रेशन कितना था, 2u sin थीटा माइनस अल्फा, सो sin थीटा प्लस अल्फा होगा, थीटा ज़ीरो होगा, सो इट विल बी 2u sin अल्फा, थीटा तो ज़ीरो हो गया, डिवाइडेड बाई कितना था बेटा, डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा था, वहाँ आप प्लस अल्फा रखो या माइनस अल्फा रखो फ़र्क नहीं पड़ता। सो टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन हो जाएगा 2u डिवाइडेड बाई जी इंटू टेन अल्फा, ठीक है। रेंज का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, एल का, एल का एक्सप्रेशन देखिए, एल का एक्सप्रेशन था इसमें थीटा को ज़ीरो पुट कर दीजिए, अल्फा को माइनस अल्फा पुट कर दीजिए, तो आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा 2u स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर, ऊपर में आएगा साइन अल्फा और नीचे में आएगा जी कॉस स्क्वायर अल्फा, ऊपर में आएगा साइन अल्फा, नीचे में आएगा जी कॉस स्क्वायर अल्फा, जिसको कि आप चाहें तो 2u स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी सेक अल्फा टैन अल्फा भी लिख सकते हैं।
लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, तो अब इसको वाइंड ऑफ करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। तो सारे मेजर पॉइंट्स मैंने एड्रेस कर दिए हैं, अब तो स्पेशल केसेस तो कितने सारे भी बन सकते हैं, तो स्पेशल केसेस में वैल्यू कैसे रिप्लेस करनी है उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जाते जाते मैं एक इसका केस और दिखा देता हूँ कि अगर अगर ये इंक्लाइन प्लेन है, बस रिप्लेसमेंट बताऊंगा, एक्सप्रेशन निकाल के नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत देर हो गया। और भाई साहब इसका एंगल है अल्फा, ठीक है। अब देखिए आप, ये है हॉरिजॉन्टल, ये है प्रोजेक्टाइल आपका, ठीक है। और मज़े की बात देखिए, इस प्रोजेक्टाइल को हम ऐसे फेंक रहे हैं नीचे की तरफ, ठीक है, एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ लेना है, ऊपर रहेगा प्लस थीटा, नीचे रहेगा, इस बार इसको लिखेंगे हम माइनस थीटा, एक रिप्लेसमेंट मिला। और जो सतह इसको मिल रही है वो भी नीचे की तरफ मिल रही है, उसको भी माइनस अल्फा से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ रिप्लेसमेंट क्या होगा बताइए, यहाँ रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। अब हर केस में मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, दैट इज़ नॉट ए गारंटी, ठीक है। हो सकता है इस केस में आपका मैक्सिमम एग्जिस्ट ना करे एल मैक्स का एक्सप्रेशन, ठीक है, वो मैथमेटिकल फैलेसी है, वहाँ पे आप पुट जब करेंगे तो आपका हो सकता है एंगल नेगेटिव आ जाए, है ना, तो वो मैथमेटिकली मैक्सिमा वहाँ एग्जिस्ट करेगा कि नहीं उसकी गारंटी नहीं, लेकिन एल और टी की वैल्यू ऑब्वियसली आप निकाल सकते हैं। सो आपको रिप्लेस करना है किससे, रिप्लेस थीटा बाई माइनस थीटा एंड एल्फा बाई माइनस एल्फा, करेक्ट। सो टेल मी दिस द लास्ट वन, व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, सो इट वाज इनिशियली 2u साइन थीटा माइनस अल्फा बन जाएगा साइन अल्फा माइनस थीटा, दोनों नेगेटिव हो गए ना, और अल्फा मैग्नीट्यूड में बड़ा है भी, और नीचे में आपको मिलता था g cos अल्फा, तो उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। l की वैल्यू हो जाएगी 2u स्क्वायर बाई g, नीचे में मिलता था cos स्क्वायर अल्फा, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ऊपर में मिलता था साइन थीटा माइनस अल्फा, जो अब बन जाएगा साइन अल्फा माइनस थीटा, और क्या था भाई, कॉस थीटा था, तो थीटा नेगेटिव डालेंगे तो कॉस थीटा पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो मेन एक्सप्रेशन अगर आप याद रखते हैं तो आप प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन के कोई भी केस को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट था ये आज, और IIT वाले स्टूडेंट्स के लिए है, मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये था प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन, उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो आपको क्या करना है आपको पता है, इसको लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।